मंदसौर के कोर्ट परिसर के निकट सुबह 10 बजे सोना नदी में एक युवती की लाश तैरती हुई दिखाई देने के बाद मौके पर ही भीड़ जमा हो गई। स्थानीय रहवासियों ने शहर कोतवाली पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर TI अमित सोनी पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से नदी में तैर रहे शव को जब्त कर PM के लिए भिजवाया। दरअसल युवती 2 दिन से लापता थी। शहर कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी ने बताया है कि सुबह सूचना के बाद युवती के शव को नदी से बरामद किया गया है। प्राथमिक जांच में शहर के थानों में हुई गुमशुदगी और पिछले 2-3 दिनों में आए आवेदनों के बारे में जानकारी जुटाने पर पता चला है कि युवती शहर के भोईबाड़ा की रहने वाली है और 2 दिन से घर से लापता थी। आज सुबह सूचना मिली थी कि शिवना नदी में एक शव तैर रहा है। उस सूचना पर टीम वहां गई थी और उस शव को बाहर निकाला गया है। शव को ले जाकर अभी पोस्टमार्टम उसका कराया जा रहा है। यहाँ पर सुबह सूचना मिली थी कि एक महिला नदी में डूबी हुई मिली है, तो उस पर से हम लोग यहाँ पर आए थे। महिला की उम्र लगभग 30 से 35 के लगभग है और स्थानीय लोग जो यहाँ के थे उनकी मदद से पुलिस ने उसे यहाँ से निकाला है और अभी जिला अस्पताल ले जा रहे हैं। वहीं पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि महिला के साथ क्या घटनाक्रम हुआ है, बाकी जाँच चल रही है।